रुख करते हैं आलमी मंजरनामे का। आपको बताएं कि ईरान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमरीकी पाबंदियों को जुर्म करार देते हुए कहा है कि दुनिया ईरान समेत कई मुल्कों पर ये जरायम मुजरिमों को कभी नहीं भूलेगी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने जनरल असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका ने आलमी मईशत में ईरान के किरदार को महदूद कर दिया है। ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, चीन, रूस पर पाबंदियां जुर्म के जुमरे में आती हैं। अमेरिकी पाबंदियों को जुर्म करार देते हुए कहा गया है कि दुनिया ईरान समेत कई मुल्कों पर ये जरायम मुजरिमों को कभी नहीं भूलेगी। As well as our neighbors, and we have never surrendered to foreign aggression and imposition. उन्होंने कहा है कि ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ मुकम्मल अमन चाहता है। मशरक़ वुस्ता में आग लगी हुई है, अमेरिका सलामती काउंसिल की बात मानता है ना एहतराम करता है। अमेरिका सलामती काउंसिल के फैसले तस्लीम नहीं करता। अमेरिका ने मुआहदे तोड़े फिर मुज़ाकरात की बात करता है। अमेरिका कुछ भी कहे, यूरोप के साथ जौहरी मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। We Iranians have been the pioneers of freedom seeking movements in the region while seeking peace and progress for our nation. वाज़ह रहे कि चंद रोज़ क़ब्ल हसन रूहानी ने कहा था कि खलीज में मौजूद गैर मुल्की अफवाज खुद को ईरानी मफादात से दूर रखें। अगर गैर मुल्की अफवाज मुखलिस हैं तो वो इलाके को तैरोगी दौड़ का मरकज बनाने से गुरेज करें। आपकी मौजूदगी हमेशा तकलीफ और मुश्किलात का सबब बनती है।